आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 13 में हेडिंग है भारत में शिक्षा की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एडुकेशन इन इंडिया। प्रॉब्लम भारत में शिक्षा की समस्याएं है ना। अब भारत में शिक्षा की क्या समस्या है, यानी प्रॉब्लम ऑफ एडुकेशन इन इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ एडुकेशन इन इंडिया हेडिंग है ना 11th का। तो भारत में काफी समय से शिक्षा एडुकेशन संबंधी नीति प्रबंध तथा इसकी प्रकृति को लेकर विद्वानों के बीच काफी कहा सुनी और मतभेद रहा है। समय समय पर शिक्षा के से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास भी किए गए हैं। इसके बाद भी आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, विकास के रास्ते में जा रहे हैं। सरकार के कर्तव्य है कि हम शिक्षा को प्रथम प्राथमिकता दें और जिन्हें दूर किए बिना शिक्षा को समाजीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावशाली साधन नहीं बनाया जा सकता है। पहला है इसका समस्या में, इसका कौन कौन सी समस्या है एग्जाम में आएगा, तो पहला पॉइंट है प्रबंध तथा साधनों की समस्या। हमारी शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या इसमें एक रूपता का अभाव होना है। इसका अर्थ यह है कि जहां एक ओर अनेक उच्च शिक्षा समस्याएं और शोध संस्थानों का प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था सरकार के हाथ में है, वही दूसरी ओर बहुत सी उच्च शिक्षा संस्थाओं का प्रबंध व्यक्तियों द्वारा स्वयं से ही संगठन द्वारा भी किया जाता है। इसके अलावा अनेक ऐसी व्यक्तियों और संगठनों को भी इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा के क्षेत्र में संबंधित कॉलेज या प्रबंध करने की अनुमति दी गई है। यानी देखिएगा बहुत एफिलिएटेड कॉलेज चल रहा है, कोई भी सरकार कोई भी आम पब्लिक कॉलेज खोल सकता है। शिक्षा को गांव शहर हर जगह बढ़ाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है शिक्षा पर सम्मान वर्गों का प्रभुत्व होना चाहिए। दूसरा समस्या है शिक्षा का समान वर्गों का प्रभुत्व। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में उन लोगों को उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने की अधिक के लिए अधिक प्रयत्न मिल जाते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न है, और पब्लिक स्कूलों और निजी क्षेत्र द्वारा संचालित औद्योगिक शिक्षा संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली शिक्षा इतनी इतनी महंगी हो गई है कि सामान्य व्यक्ति इस शिक्षा का लाभ नहीं उठा सकता है। प्राइवेट जो कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस शिक्षा प्राइवेट शिक्षा के लिए हमारे हमारे बच्चे उतना पैसा नहीं है कि एडमिशन नामांकन ले सकते हैं। बहुत बड़ी एक शिक्षा की समस्या है कि हमारे पास पैसा नहीं, देहात के बच्चे हैं, गरीबी से झेल रहे हैं। अभी समझिए कि पढ़ने की बहुत ही समस्या है पैसा के अभाव में। तीसरा पॉइंट की समस्या है शिक्षा में नियोजन का अभाव। यह सच है कि आज़ादी प्राप्त करने के बाद ही भारत में विभिन्न स्तर की शिक्षा संस्थाओं की संख्या में बहुत कम वृद्धि हुई है, किंतु यह वृद्धि देश की जनसंख्या और छात्रों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिकोण से बहुत कम है। आज की शिक्षा का विकास किसी नियोजित नीति के आधार पर नहीं हो रहा है। आज की शिक्षा कंप्यूटर का जमाना हो गया, आज की शिक्षा बहुत आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन सरकार के पास ये समस्या है कि बहुत ही प्राइवेट कॉलेज खुल गया, स्कूल कॉलेज को इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है, अब उसमें हमारे बच्चे लोग पैसा दे के पढ़ने में असमर्थ हैं। तो सरकार की बहुत ही योगदान है कि आगे बढ़ने के लिए हम अच्छा अच्छा सरकारी कॉलेज खोली, स्कूल खोली। और चौथा पॉइंट है शिक्षा का राजनीतिकरण। शिक्षा का भी आज के ज़माने में राजनीतिकरण हो रहा है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान को बढ़ावा देकर उनका समाजीकरण करना है। शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य मेन समाजीकरण करना है, आगे बढ़ाना है, डेवलपमेंट करना है और विकास के रास्ते में लड़ना। अगला पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा की कमी। यह सच है कि देश की बड़ी बड़ी औद्योगिक शिक्षा संस्थाओं को की स्थापना की गई है, लेकिन इसका लाभ जनसाधारण को नहीं मिल रहा है। व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर देश में इस समय बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। पुराने स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, अच्छे अच्छे दस्तकारी नहीं है, खेतों में व्यवस्था नहीं की जा रही दस्तकारी और कुटीर उद्योगों की शिक्षा दे। यही कारण है कि सभी ग्रामीण और श्रमिक अपने बच्चों को शिक्षा देने में सक्षम हो जाए। कुटीर उद्योग शिक्षा के माध्यम से ही होगा। हमारा तरह तरह की बिजनेस की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा पढ़ा लिखा रहेगा तो कहीं भी कोई भी काम करके अपना रोजी रोटी चला सकता है। अगला छठा पॉइंट है शिक्षकों में अलगाववाद। शिक्षा की समस्या सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में अलगाववाद की समस्या बहुत बड़ी समस्या। बहुत सी मात्रा शिक्षकों की प्रति अध्यापकों की
कटिबद्धता पर भी निर्भर। दूसरी ओर प्राइमरी माध्यमिक स्तर पर अध्यापक की शैक्षणिक योग्यता की तुलना में उन्हें प्राप्त होने वाला वेतन नहीं मिल रहा है। पढ़े लिखे लोग को उतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, उतनी तनख्वाह नहीं मिल रही है और इतनी महंगाई है कि शिक्षा के क्षेत्र में टीचर को भी जो पारिवारिक जो झेल है वो झेलना पड़ रहा है, उसकी कमी नहीं करने पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। और सातवां पॉइंट है दोषपूर्ण परीक्षा पद्धति। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की परीक्षा पद्धति छात्रों की कुशलता और योग्यता के का वास्तविक मापदंड नहीं है। पाठ्यक्रम पर आधारित वर्ष वर्ष में एक बार ही लेने वाली परीक्षा अब दो बार दिए जा रही है। अभी के शिक्षा नीति परिवर्तन हुआ है, नए नए कॉलेज खोले, स्कूल खोल रहे हैं, कंप्यूटर चल रहे हैं, अच्छी अच्छी व्यवस्था की जा रही है। शिक्षा संस्थाओं के संबंधित हम समस्याओं का निराकरण करने के लिए आज नियोजित करने में अनेक प्रयास कर रहे हैं। पहला निजी प्रबंध द्वारा संचालित शिक्षा समस्याओं पर सरकार का इसका नियंत्रण जरूर होना चाहिए कि उनके द्वारा छात्रों का अधिक आर्थिक और बौद्धिक विकास हो सके। शिक्षा को राजनीतिक से भी अलग रखा जाए और ग्रामीण स्तर पर कृषि उद्योग धंधे की व्यवस्था किया जाए। शिक्षा द्वारा धर्म जाति भाषा अथवा क्षेत्र के सभी को आगे बढ़ाया जाए। एक ऐसी शिक्षा नीति पर का काम होना चाहिए जो देश को वर्तमान जरूरतों और संसाधनों के अनुसार आगे बढ़े। वर्तमान दशाओं में प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित शिक्षा से नैतिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों में निर्धारण प्रतिशत इस प्रकार होना चाहिए कि शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं हो, आउट नॉलेज ही बच्चे को दिया जाए। सरकार ये चाह रही, सरकार प्रयास कर रही है कि हमारा बच्चे आगे बढ़े, डेवलपमेंट करे और हम आगे बढ़े। आज की शिक्षा बहुत ही परिवर्तन हो गई है, आगे बढ़ी हुई है। आज की शिक्षा के दौरान देश को आगे बढ़ाने के संजम आज के बच्चे, हमारे बच्चे पायलट बन रहे हैं, ट्रेन के ड्राइवर लड़कियाँ बन रही है, आगे बढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में आगे अच्छे नामांकन ले रहे हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग रूट की पास कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कर रहे हैं। आज की शिक्षा पद्धति बहुत ही काफ़ी डेवलपमेंट कर गई है। सरकार ये चाहती है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आगे हमारा देश कि बच्चे अव्वल रहे। सरकार ने तरह तरह की साइकिल की व्यवस्था कर दी है, बच्चे के लिए 8 पास के लिए 4 चला के बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर दी है, साइकिल की व्यवस्था कर दी है, कपड़ा की व्यवस्था कर दी है, पुस्तक की व्यवस्था कर दी है। सरकार ये चाहती है कि हमारी बच्चे, हमारे देश अव्वल हो, शिक्षा के क्षेत्र में उज्ज्वल हो और हमारे देश में शिक्षा का नाम हो। और हम भी चाहते हैं हर शिक्षक चाहता है कि शिक्षा को आगे बढ़ावा दे। प्रथम प्राथमिकता घर में शिक्षा को देना चाहिए, उसके बाद माता पिता को देनी चाहिए। ये बच्चे का कर्तव्य होता है कि एडुकेशन, अगर जिस परिवार में एडुकेशन नहीं, एडुकेशन बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट है। शिक्षा की ये समस्या को हमें दूर करना होगा, हमें गांव-गांव तक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा, स्कूल की व्यवस्था करनी होगी। जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसा की भी सरकार ने व्यवस्था कर रही है, लेकिन भी बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो बच्चे को जागरूक करना पड़ेगा, यानी स्कूल जाने के लिए कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तब आगे जाके बच्चे डेवलपमेंट करेंगे, तब गाँव का विकास होगा, शहर का विकास होगा। क्योंकि बच्चे को हमें एडुकेटेड करना मस्ट इंपोर्टेंट हो गया है। सरकार की कर्तव्य है कि बच्चे को एडुकेटेड करो, गाँव में शिक्षा की व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था करो, लाइट की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था करो। सरकार ये चाह रही है कि जब तक बच्चे एडुकेटेड नहीं होंगे तो गांव का विकास नहीं होगा। गांव अभी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में है, तो हम गांव का विकास करना है तो हमें शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। बस आज इतना ही।